कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ अपमानजनक संदेश भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस मांग को लेकर पूर्व पार्षद ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। बता दें, सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें एक पूर्व पार्षद ने कल्याण गृहों के पंजीकरण की आड़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर पैसा उगाया है। वहीं पूर्व पार्षद कुणाल पाटिल ने कहा है कि इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नाना पटोले और मांगिया का अपमानजनक संदेश, उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस इस संबंध में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करे। उन्होंने कार्रवाई न होने पर पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि इस मामले में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। आज कुछ दिनों से जो कुछ मैसेज घूम रहा है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से, उस माध्यम से आज पत्रकार परिषद मैंने लिया हुआ है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे नाम से और नाना भाऊ पटोले साहब के नाम से जो मैसेज ये लोग वायरल कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात, वो जो घोटाला है, टोकन घोटाले बात जो कोई है, वो आप सभी को पता है क्यों। तो उन्होंने जो पैसा जमा कर कर जो लोग नागरिकों को, गरीब नागरिकों को उन्होंने फंसाया हुआ है, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करके देता हूँ, आप मुझे लाके पैसा दीजिए। तो ये सब बवाल होने के बाद में कुछ तो इन लोगों ने षड्यंत्र करके ये आज मेरे नाम से और नाना भाऊ पटोले साहब के नाम से मैसेज घुमाया। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने किया है तो पुलिस के माध्यम से जांच होने वाली है। मैंने एप्लीकेशन दिया है, पुलिस लोगों ने बोला कि जांच करके हम लोग जो जो इसमें शामिल है कांड करने वाले लोग उनको सबको अरेस्ट करेंगे।